जमीन माफिया अरुण डागरिया ने IIFL बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। इस लोन को चुकाने के बजाय डागरिया ने अपनी बेटी की शादी विदेश में कर दी और इंदौर से हवाई जहाज से मेहमानों को भी ले गया। डागरिया ने बैंक का लोन वापस नहीं किया। मामले में डागरिया की कोठी को कुर्क किया गया है। माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के अमले ने बुधवार को IIFL बैंक के बकायेदार अरुण डागरिया की विशालकाय कोठी कुर्क कर ली। आलिशान कोठी बिचोली मर्दाना क्षेत्र में थी। SDM अंशुल खरे ने बताया कि माफिया के खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत एक कोठी कुर्क की गई है। डागरिया के 8 करोड़ रुपए बकाया हैं और सम्मत एवेन्यू बिचोली मर्दाना बाईपास पर ये कोठी निर्मित है। सरफेसी एक्ट में बैंक द्वारा एक पिटीशन किया गया था जिसमें करीबन 8 करोड़ का लोन बकाया था और ये जो प्रॉपर्टी थी वो पॉलिटिक ग्रुप में रखी गई थी। बैंक के ड्यूज रिपे नहीं करने के कारण संपत्ति की जो कुल की कार्य है उस आदेश की तामील नहीं करती।